चलिए सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन देखो। हाँ जी, क्या कहता है क्वेश्चन में? एक्सीलेंट मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, एक बच्चा यही बोल रहा था, एक्सीलेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस 4000 यूनिट सर्टेन प्रोडक्शन 100% कैपेसिटी पे, जो कि 4000 यूनिट है वो 100% कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द फॉलोइंग ऑब्टेन द बुक्स, कहता है यूनिट यहाँ पे 2800 बनाए हैं 2006 के अंदर, और सितंबर में 3600 बनाए, हर महीने का दे रहा है, सेम रिपेयर का दे दिया एंड ये खर्चे दे दिए इसने। कहता है रेट ऑफ प्रोडक्शन आवर इज 10 यूनिट, रेट ऑफ प्रोडक्शन आवर इज 10 यूनिट, 10 यूनिट है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपये। कहता है रेट ऑफ प्रोडक्शन आवर इज, जो हमारा प्रोडक्शन आवर है यानी 1 घंटे में, 1 आवर में हम कितने यूनिट बना लेंगे? 10 यूनिट बना के तैयार कर लिया करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1 रुपये एंड डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट 4 रुपये आवर। कहता है जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है यानी मटेरियल, वो 1 रुपये पर यूनिट है, और जो लेबर को हम सैलरी देंगे ना, लेबर को सैलरी देंगे 4 रुपये पर आवर, 1 घंटे का देंगे। कंप्यूट द कॉस्ट प्रोडक्शन 100% कैपेसिटी पे, 80% कैपेसिटी पे, 60% कैपेसिटी पे। कैपेसिटी सोइंग वेरिएबल फिक्स एंड सेमी वेरिएबल, इसके अंदर तीनों चीजें हैं। अंडर द फ्लेक्सिबल बजट फाइंड आउट द ओवरहेड, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 80% कैपेसिटी पे। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालते हैं? बस आवर से डिवाइड करते हैं, 80% कैपेसिटी पे निकालना है। तो सर हमें करना है 1, 2, 3, और 3 कैपेसिटी को बनाना है, तो तीनों को पार्ट खींच लेते हैं फटाफट से। हाँ चलिए सर, 3 लेवल एक्टिविटी पे। और कैश बजट देखो, मुझे पता है कुछ बच्चों ने देखा नहीं है कैश बजट। कैश बजट अगली क्लास में जब मैं कराऊंगा, खत्म करा दूंगा उसको मैं, फिर मत बोलना सर हमने देखा नहीं था। कंटेंट में जाके देख लो, वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं। किस लेवल पे सर? पहले 60 पे निकाल लेंगे, और 60% कैपेसिटी पे कितना होगा? आपको पता है 100% कैपेसिटी पे 4000 है, 60, 80 और 100, आपको पता है यहाँ 4000 है, तो 80% पे कितने होंगे? 3200। और 60% पे कितने होंगे? 2400। और ऑलरेडी हमें ये कुछ दे रखा है, इसमें से वही निकालना है ना, कोई क्या फिक्स है क्या वेरिएबल है वो हम निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 10 हो गया है, कोई बात नहीं, करा देते हैं, बहुत बच्चे फिर बाद में ना परेशान होंगे। यहां पे लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, यहां सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और यहां पे फिक्स कॉस्ट। ठीक है सर, चलिए अब हम बात करते हैं कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सा हमारा सेमी वेरिएबल है। तो
तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के तरीके से चलेंगे। सबसे पहले कहता है इसमें मटेरियल पर यूनिट 1 रुपए है, तो मैं मटेरियल लिख दूं, कितना आएगा मटेरियल? 2400, 1 रुपए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और ये कितने आएंगे? 4000। ठीक है सर। कहता है लेबर का जो है ना 4 रुपए 1 घंटे का देंगे, 4 रुपए 1 घंटे का देंगे और 10 यूनिट 1 घंटे में बनेगा। तो अब हमारा यूनिट अगर बात करें 2400 यूनिट है बना होगा, और अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल गया कि 240 घंटे काम चला होगा, तो जाके हमारा 240 घंटे 2400 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगे होंगे? 240। जैसे समझो सिंपल सी बात है, इसने कहा कि भैया अगर 1 घंटे काम करेंगे 10 यूनिट बना के तैयार कर देंगे, तो अगर मैं आपको बोलूं मैंने 10 यूनिट पे आप बजट निकालो तो बताओ कितने आवर काम चला होगा, तो डिवाइडेड बाय आप 10 कर दोगे, सीधी सी बात है। एक तो यहाँ पे क्या करा, 2400 यूनिट बनाए हैं और 10 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि 1 घंटे में 10 यूनिट निकल रहा है, तो ये क्या आ गया? आवर। अब लेबर को बोला कि 4 रुपए के हिसाब से तनख्वाह दोगे आप, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो आवर को आप, तो आपका लेबर का क्या आ जाएगा? आवर आ जाएगा। तो लेबर भी तो वेरिएबल हो गया हमारा, 240 × 4 940 × 60। भैया प्रैक्टिस चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंट इतना आसान नहीं है जितना आप सोच लो कहीं। इससे ऐसे ही 3200 पे 320 × 4 1280, ऐसे ही 400 × 4 1600। चलिए सर, ये वाली चीजें जो नीचे जानकारी मैंने लिखी थी ये सारा यूज हो गया, तो इसमें आप किसी को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब रिपेयर की बात कर लेते हैं, चेक करेंगे वेरिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे 500 डिवाइड कर देते हैं इसको 2800 से, एक रेट निकलेगा। 500 डिवाइड 2800 एक रेट निकलेगा 0.178। अब इसी से मल्टीप्लाई अगर 3600 से करते हैं तो सर 642 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा है ये कुछ पार्ट फिक्स भी है, कुछ पार्ट क्या है हमारा वेरिएबल भी है। इससे हमें ये पता चल जाता है, पहले तो ये समझिए। अब कितना पार्ट फिक्स होगा कितना वेरिएबल, जैसे अभी पीछे एक क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना होगा। मैं एक एक करके हर किसी का डिटेल में ही निकाल दूंगा, चिंता मत करो। तो सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं? रिपेयर का। आप बताते जाइएगा मुझे रिपेयर का कितने लेवल पे था हमारा, 2800 और 3600, 2800 और 3600 कितना खर्चा है? 500 और 560। तो अगर हम रिपेयर का देखें तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। तो यूनिट कॉस्ट में कितना चेंजेस है? 60, और यूनिट में कितने चेंजेस है? 2800 है ना, 2800 − 3600 800, तो 60 × 800, तो 0.075, ये हो गया वेरिएबल। अब चलिए निकालिए टोटल कॉस्ट है, किसी भी लेवल पे निकाल लीजिए 500 माइनस वेरिएबल कर दीजिए कितने, 2800 × 0.075 210। बाकी जो बच गया 290 क्या हो गया हमारा, दैट इज फिक्स कॉस्ट। आ जाइए यहां पे, हमारा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल तो क्या है? रिपेयर, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट 290 तो फिक्स है, वेरिएबल 0.075 मल्टीप्लाई 2400 180, 0.075 मल्टीप्लाई 3200 240, 0.075 मल्टीप्लाई 4300 रुपये। चलिए सर, अब दूसरे का चेक करते हैं, पावर का। पावर कितना है सर? 1800, और पावर कितना है? 2000। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे? 1800 डिवाइडेड बाय
1800 डिवाइडेड बाय 2800 इनटू में ये रेट आया, और इनटू किससे करें 3600 से, तो ये रेट आना चाहिए। नहीं आ रहा सर, पावर भी दो चीजों का मिक्सर है। तो चलिए सर, ये था रिपेयर का, ऐसे ही पावर का निकाल लेते हैं। ये था पूरा रिपेयर का, चलिए पावर, ठीक है। अब यहां पे पावर में क्या है, एक तो 2800 यूनिट पे काम चेक करना है और एक 3600 यूनिट पे। तो पावर देखा जाए क्या है, कॉस्ट क्या है इनकी, 1800 और 2000, यही था ना, 1800 और 2000। अब वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, मैंने चेक पहले ही कर लिया, क्योंकि तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा। तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 200 डिवाइडेड बाय 800, एक रेट निकलेगा 200 डिवाइडेड बाय 800, 0.25। सर टोटल कॉस्ट क्या है, जो कॉस्ट किसी भी लेवल पे ले लो, 1800 की कॉस्ट थी, इसमें से माइनस वीसी कर दो। वीसी कैसे निकालोगे, 0.25 इंटू में 2800, 0.25 इंटू में 2800, तो 700 वेरिएबल है, तो बाकी माइनस कर दो, 1100 क्या आ गया, एफसी आ गया। तो चलिए सर पावर, फिक्स कॉस्ट कितने आ गए, 1100 1100 1100, और वेरिएबल कॉस्ट कितने हैं, 0.25 के हिसाब से है, तो 0.25 इंटू में 2400, दैट इज आपका 600, और 3200 800 4000 ये निकाल लिया हमने, ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं हम किसका, शॉप लेबर की, 700 से 900, तो चेक करते हैं क्या, कैसे चेक करेंगे, 700 डिवाइडेड बाय 2800, 700 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू में 3600, 900, तो ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा, क्या है, शॉप लेबर। सर वेरिएबल कैसे निकाल लिया आपने, तो 700 डिवाइडेड बाय कितने थे 2800, तो ये आया था 700 डिवाइडेड बाय 2800 मतलब 0.25। अब 0.25 से ही करेंगे तो क्या आएगा, ये 600 800 और 1000, चलिए ये भी हो गया। कंज्यूमेबल स्टोर इसको भी चेक कर लेते हैं, तो 1400 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू में 3600, 1800, तो ये भी फुल्ली वेरिएबल है कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर क्या क्या है सर, 1400 डिवाइडेड बाय 2800, तो कितने होंगे, 1400 डिवाइड 2800 50 पैसे, 0.5, तो 1200 1600 और 2000। सैलरी, अब देखिए सैलरी तो क्या है हमारा, फिक्स है ना सैलरी, तो सैलरी 1000 1000 है, तो लीजिए जी सर 1000 1000 1000। अब सैलरी के बाद आ जाते हैं क्या है, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन चार्जेस 200 और 240 है, चेक करना पड़ेगा, तो 200 डिवाइडेड बाय 2800, 200 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू में 3600, तो सर ये फर्क आ रहा है, तो इसका मतलब इंस्पेक्शन चार्जेस में दो बातें जुड़ी हुई है, पावर भी जुड़ा हुआ है और एक और पार्ट जुड़ा हुआ है, तो आ जाइए इंस्पेक्शन चार्ज। ये वर्किंग नोट है ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, 10। सर एक निकाल रहे हैं हम 2800 पे और एक निकाल रहे हैं 3600 पे, और हमारा है 200 क्या था, 200 और 240। आइए सर इसके बाद हमारा वेरिएबल कॉस्ट आएगा सर 200, चेंज इन स्टॉक जो कि लगा रहे थे फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट में कितना आ गया
40 डिवाइडेड बाय 2800, 40 डिवाइडेड बाय 2800 यानी 0.01428. तो चलिए फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं, इनटू में 2800 तो 40 आया। तो अगर हम टोटल कॉस्ट दें तो 200 है सर, वीसी अगर हमने निकाला तो 40 आया, 160 हमारा एफसी हो गया सर। आ जाइए सर, 160 एफसी, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, क्या था इंस्पेक्शन चार्ज, एफसी है इसके अंदर 40 नहीं, एफसी क्या था, एफसी 160 है, 160 आप भी कहां चले गए थे, कुछ बात कर रहे थे, इसको और नीचे ले जाया जाए, डेप्रिसिएशन तो फिक्स ही है भाई साहब। अरे कितने बच्चों ने निकाल लिया, मैंने बोला था आपको निकालने को, निकाला आपने, फिक्स तो मैंने लिख दिया, वेरिएबल निकाल के दिखाओ, सिंपल सी बात है, 40 रुपए का वेरिएबल है 2800 पे, तो हमारा 0.1428 बहुत लंबा सा डिजिट बन रहा है, इनटू 2400 राउंड फिगर में कर देंगे, 34 आ रहा है 35 लिख देंगे पहले वाले का, 35 कर दिया, हाँ 160 40 डिवाइडेड बाय इनटू में 3200 यार 45 ही लिख देते हैं, 40 डिवाइड 2800 इनटू में 4000 यार 57, तो कितने लिखें 57 ही लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद डेप्रिसिएशन है, लो जी आ गया डेप्रिसिएशन, क्योंकि हर लेवल पे फिक्स ही है, तो 1400 इस सवाल के अंदर मेरे पास स्पेस की कमी है, फिर भी चलो कर देते हैं, आपका कार्य रह जाएगा टोटल करना, आंसर को चेक कर लीजिएगा, ऊपर नीचे 2-5 रुपए का हो सकता है। और एक इस सवाल में और पॉइंट पूछा गया था, फाइंड आउट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन पर यूनिट 80% कैपेसिटी पे, एक यूनिट का कितना होगा, तो 80% कैपेसिटी पे ये है हमारा, ठीक है ना। अब 80% कैपेसिटी का टोटल कॉस्ट निकाल लो, पर यूनिट रेट कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड कर देंगे 3200 से, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सर 2400, 960, 600 और 1200 या गया 5160, 290, 180, 1100, 600, 160, 35 ये आ गया 2365 और ये आ गया सर 2400, 3200, 1200, 60, 800 और 1600 ये आ गया 6880, 290, 240, 1100, 800, 160 और 45 ये आ गया सर 2635, 4000 इसका ये 8600, 290, 300, 1100, 1000, 160, 57, 2907। बाकी आप तो खुद कर ही सकते हो थोड़ा बहुत ना, मेरे से एक का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं इसका निकाल के बता देता हूँ, 6880 और प्लस 2635 प्लस 2400, तो टोटल कॉस्ट आ गया हमारा 1191.5, इसको डिवाइड जब हम कर देंगे ना 3200 से तो क्या आएगा, डिवाइड 3200 तो आएगा हमारा ये 3.72 पर रेट आ गया हमारा निकल के। कह रहे हैं 40 डिवाइडेड बाय 800 होगा, 800 क्यों कहते हैं,
हाँ ये गड़बड़ हो गया, मैंने बच्चों का कमेंट ध्यान नहीं दिया, ये 800 ही तो होगा, बोलते क्यों नहीं आप सब? भाई इसे ठीक कर लेना। सही बताया किसी ने सर, 40 डिवाइडेड बाय 800 होगा, क्योंकि मैंने पूरा ले लिया था तो 0.05 आएगा। भाई इसको सही कर लेना, अब इसे मैं नहीं करूँगा सही, दोबारा होगा ठीक है ना, समझ में आई बात आपको? 0.05 आएगा, और 0.05 के हिसाब से देखा जाए तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा हमारा 2800 पे, 140 का आएगा वेरिएबल कॉस्ट, मेरे से गड़बड़ हो गया, 140, और ये आ जाएगा मात्र 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 60 का। क्या कर लोगे आप सभी इसमें चेंजेस? वेरिएबल तो कर ही लोगे ना, समझ में आ गया ना, वो तो एक जगह कैलकुलेशन हुआ, काम तो वही होना है, ठीक है, हो जाएगा डन। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं कि स्टूडेंट को पूरा करना है, ये स्टूडेंट को पूरा करना है, ठीक है, याद रहे ये नोट करते टाइम पे, ये सही नहीं है, इसके अंदर एरर है, ठीक है, क्लियर? सर लेबर वाला फिर से समझा दो, लेबर वाला समझा दे। लेबर वाले के अंदर क्या था, अब मान लो आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, और आपको बोला गया कि 1 घंटे में कितना करके दिखाओगे, मान लेते हैं कि आप कैलकुलेटर बना दो, आपने बोला सर मैं 1 घंटे में ना 10 कैलकुलेटर बना दूंगा, और मेरी कंपनी में टोटल 20 कैलकुलेटर बने, तो आप बताओ कितने घंटे काम किए होंगे? तो जवाब होगा सर 1 घंटे में मैंने 10 बनाए होंगे, 2 घंटे में मैंने 20 बनाए होंगे, तो काम कितने घंटे में? 2 घंटे, मैंने बोला हर घंटे के 100 रुपए दूंगा, तो आपकी दिहाड़ी कितनी बन गई? तो 200 रुपए, सिंपल सी बात है, तो उसी के अकॉर्डिंगली निकाला है हमने, ठीक